बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आज आपके साथ एक बड़ी खबर इस हवाले से शेयर करूंगा कि इमरान खान का जो दावा था कि आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो किसी के आगे झुके ना, वो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो और अपनी पॉलिसी के तहत वो तमाम मामलात पर अमल दरामद करवाए और दुनिया के साथ तल्लुकात रखे। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुबकी उस वक्त हुई जब तैयब उर्दगान की तरफ से ये बता दिया गया कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को धमकियाँ दी गईं। ये मैं क्लियर करता चलूं कि तैयब उर्दगान ने जो समिट हो रहा है कुआलालंपुर में मलेशिया में, वहाँ पे मुख्तलिफ मुसलमान मालिक के रहनुमा इकट्ठे हैं, जहाँ इमरान खान को भी दावत दी गई थी, लेकिन इमरान खान ने फ़ोन करके तैयब उर्दगान को और साथ ही मलेशिया के महातीर मोहम्मद को ये कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, अपनी कुछ मजबूरियाँ बताई थीं, और उसी को हवाला बनाते हुए तैयब उर्दगान ने सऊदी अरब पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी माशी मजबूरियों की वजह से इस मुल्क में जो समिट हो रहा था कुआलालंपुर में, उस समिट में शामिल नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो पाकिस्तान के 44 लाख के लगभग जो मुलाजमीन हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको न सिर्फ निकाल दिया जाएगा, उनकी जगह बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे अफरादी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचेगा। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये भी धमकी दी गई कि अगर इसमें शामिल हुए तो पाकिस्तान की बैंकों में रखा गया जितना भी पैसा है वो भी निकाल लिया जाएगा, स्टेट बैंक में जो पैसा रखा गया है, ताकि पाकिस्तान का जो मेशत है वो स्ट्रांग रहे और रुपए की कदर में कमी वाकया ना हो, तो वो सारा पैसा निकाल लिया जाएगा, जिस पर इमरान खान मजबूर हुए। और कुछ ऐसी ही धमकी यूएई की तरफ से भी दी गई, जिस पर इमरान खान ने अपना फैसला उस समिट में शामिल होने का फैसले पर यू टर्न लिया, और इस तरीके से वो कोशिशें जो इमरान खान की हुई थी कि पाकिस्तान मलेशिया और तुर्की मिलकर एक ऐसा चैनल सामने लेके आएंगे जो इंग्लिश चैनल होगा और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको सामने लाएगा, उसमें से भी पाकिस्तान को निकाल दिया गया। अब मलेशिया, तुर्की और इसके साथ साथ कतर को शामिल किया गया, और यही वजह थी। ऐसी ही कुछ धमकियां इंडोनेशिया के हवाले से भी सामने आ रही हैं कि उनको भी दी गई और उनके जो वफद था वो भी उसमें शामिल नहीं हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। तो देखना ये है कि आखिर कब पाकिस्तान इन सारी मामलात से आज़ाद होगा, इन सारी जो पाकिस्तान अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी इख्तियार कर सकेगा। दूसरी तरफ ये भी बयान सऊदी सफारतखाने की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को जो तैयब उर्दगान की तरफ से सऊदी अरब पर लगाए गए उनको रद्द किया है। सऊदी अरब का ये कहना है कि सऊदी सफारतखाने की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं वो दोस्ताना तल्लुकात हैं, उसमें धमकियों की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती और ये जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी तरफ से वो बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तकाम देने के लिए हर मौका पर खड़ा रहा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। लेकिन ये सारे मामलात जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है अब भी मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़ी हुई है। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हम अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते, उसकी वजह यही है कि हमारे माशी मसाइल इस कदर शदीद हैं, इस कदर गंभीर हैं कि हमें आखिरकार किसी ना किसी के आगे झुकना पड़ता है, कभी अमेरिका के आगे और कभी सऊदी अरब और
जो अरब ममालक हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं, जिनसे हम तेल उधार लेते हैं, और मुश्किल वक्त में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इनसे हमें मांगना पड़ता है। तो इस वजह से हमें वो यकीनन अगर तैयब उर्दुगान की बात दुरुस्त मान ली जाए तो ये हकीकत है कि उनकी तरफ से इस तरह के प्रेशर पाकिस्तान पर आयद होते हैं। हाल ही में जो मातीर मोहम्मद हैं उन्होंने अपनी मेशत की परवाह ना करते हुए कश्मीर पर सख्त मौकफ अपनाया था, और इसी समिट के दौरान उन्होंने फिर हिंदुस्तान की मजम्मत की है। जो मौजूदा बिल वहाँ पे पेश किया गया जिस पर पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की जितने भी मुसलमान हैं, कल भी यही इतलात आ रही थी कि 7 लोग मुख्तलिफ मज़ारों में अब तक पुरतशद्दद मज़ारों में और पुलिस की तरफ से जो लाठी चार्ज किया गया, लोगों पर तशद्दद किया गया, उससे 7 लोग शहीद हो चुके थे, 7 मुसलमान वहाँ पे शहीद हुए। इससे पहले अब तक 14 अफराद जो हैं वो उनके शहीद होने की इतलात आ रही हैं। लेकिन इस पर जो सब मजम्मत की गई वो मातीर मोहम्मद की तरफ से उसी समिट के अंदर मजम्मत की गई, जबकि सऊदी अरब की तरफ से यहाँ तक कहा जाता रहा जब हम कश्मीर का इशू OIC में लेके गए तो पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा गया कि इसको उम्मत मुसलमा का मसला करार ना बनाने की कोशिश करें, बल्कि ये आपका आपसी मामला है जिसको बैठकर हल करने की कोशिश करें। और जिस तरीके से सऊदी सुलेमान शहजादा सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो इंडिया में गए, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की UAE की तरफ से, बहरीन की तरफ से, इनकी तरफ से जो आला आजाजात दिए गए मोदी को जब वो कश्मीर के अंदर मजालम डा रहा था उस वक्त इस किस्म के एजाजात दिए गए। तो ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और मातीर मोहम्मद मलेशिया उस वक्त खड़ा था जब बाकी दुनिया जो है वो मोदी की तरफ देख रही थी, अपनी तिजारत को देख रही थी, अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रही थी, 1.5-2 अरब की जो मार्केट है उसको देख रही थी, लेकिन ये लोग असूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इस किस्म के यूटर्न हकूमत के ये हम नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये खुद जानबूझ के इस तरह का यू टर्न लिया है। हमारी माशी मजबूरियां इस कदर ज़्यादा हैं कि हमारे मुल्क के अंदर प्रॉपर टैक्स नहीं दिया जाता, पैसा हमारा जितना भी है ये जितने भी डाकू चोर लुटेरे थे ये लूट कर बाहर ले गए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को गुलाम बना के रख दिया। कभी हम बिकते हैं सऊदी अरब के आगे, खलीजी ममालक के आगे, कभी हम बिकते हैं अमेरिका के आगे, और इस तरीके से वो लोग हमसे चूँकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है और वो पैसे की कीमत वसूल करते हैं इस तरीके से कि हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला करके, वो हमला इस तरह से होता है कि हमें किसी भी जगह पे जाने से रोक दिया जाता है, और कभी हम अपनी जो पॉलिसियां बनाते हैं उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन डियर व्यूवर सोचना ये है कि आखिर कब तक होता रहेगा ये। इमरान खान का ये दावा कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं किसी के आगे जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो तो खैर पहले ही हो चुका, माशी मुश्किलात की वजह से उनको ये सारा कुछ करना पड़ा। अगर वो अपनी ज़ात में कहें तो वो यकीनन ऐसा ना करते, लेकिन अगर मुल्क को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, इसको हमने अमली जामा पहनाना है, तो इसके लिए पूरी कौम को ये देखना होगा कि ऐसे करप्ट नासर जो हैं जो हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए नासूर बन चुके हैं, उनका किसी सूरत भी दफा ना किया जाए, उनको किसी सूरत भी उनकी सपोर्ट ना की जाए, बल्कि उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतें जो हैं वो उनको जमानतों पर रिहा कर रही हैं, जितने भी थे वो सारे जमानतों पर आ रहे हैं बाहर, और ऐसे हालात में नज़र नहीं आ रहा कि वो एहतसाब का नारा जो इमरान खान ने लगाया था वो पूरा होगा, और वो चोरों लुटेरों से पैसा निकालने का जो नारा लगाया था वो भी कोई अमली जामा उसको पहनाया जा सकेगा। लेकिन तवक्का की जा सकती है और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हमें अपने पाँव पर खड़ा होने की तौफीक दे, ताकि हम आज़ादी से, खुद मुख्तारी से, इन तमाम धमकी
धमकियां देने वाले लोगों के शिकंजे से निकल सकें ताकि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बुनियाद पर बनाए और किसी की तरफ देखना ना पड़े कि फलां मुल्क माशी तौर पर हमें कमज़ोर कर देगा, नुकसान पहुंचा सकता है, हम उसके आगे उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें ये नुकसान होगा। हम उसी सूरत में होंगे जब तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और टैक्स हुकूमती जो टैक्स होता है उसको भरपूर तरीके से अदा करें और चोरों और लुटेरों से पैसा ना सिर्फ इकट्ठा किया जाए बल्कि आइंदा इनका रास्ता रोका जाए ताकि ये इस मुल्क की जड़ों को मजीद खोखला ना कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह आइंदा ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स होंगी उस हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।